सो स वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय अपडेट जैन श्रेनिकूट्यूब चैनल महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड महाजें कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022 yes, यस पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है बंपर वैकेंसी निकाली गई है सिक्स वैकेंसी एंड जहां पर जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर यानी डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों ही बच्चों के लिए बी बीबीटेक डिप्लोमा सभी के लिए वैकेंसी है रिटर्न टेस्ट इनके और से होने वाला है फिर इंटरव्यू होगा जिसके माध्यम से

करना ओपन हो जाएगा जैसे आप यहां पर देख सकते हो दैट सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है कैटेगरी जो जो तो यह सारी चीज बताई गई है वैसे ही आप इलेक्ट्रिकल वालों के लिए देख सकते हो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए देख सकते हो ठीक है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो पहले से वहां पर काम कर रहे हैं सिमिलरली यहां पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है जो वाले स्टूडेंट्स के लिए है अगेन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी देख सकते हो डिपार्टमेंटल वालों के लिए भी है बट आपको वहां पर फोकस नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे जो ऑलरेडी वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए ही है ठीक है तो फ्रेशर्स के लिए मैंने ऊपर बता दिया अब बात करते हैं लास्ट डेट कब है सत्रह दिसंबर ये लास्ट डेट है और आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है असिस्टेंट इंजीनियर आप यहाँ पर देख सकते हो पे ग्रेड टू अब आपको ये शायद समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर आपको सिंपलीफाइड वर्जन बताता हूँ ये जो स्ट्रक्चर है ठीक है ये स्ट्रक्चर महाराज

तो यहां पर आप देख सकते हो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम तो इलेक्ट्रिकल के अंदर भी मेजर ब्रांचेस को यहां पर एलिजिबल किया गया है बहुत सारे ब्रांचेस है वैसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया है जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है पीडीएफ की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है अगर आपको एक एक बारीकी से देखना हो आप देख सकते हो मेरा काम है थोड़ा पीडीएफ पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको पहले ही दे रहा हूं ठीक है आप नेक्स्ट यहां पर देख सकते हो मैकेनिकल डिप्लोमा के अंदर सिर्फ मैकेनिकल है इलेक्ट्रिकल के

चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में जो बहुत ही दुखद बात है बहुत ज़्यादा क्योंकि ए ई पोजीशन के लिए 800 हंड्रेड प्लस जीएसटी जो अठारह परसेंट जी एस टी होता है वो आप देख सकते हो सिमिलरली जूनियर इंजीनियर वालों के लिए फाइव हंड्रेड प्लस जी एस टी ये तो ओपन कैटेगरीज के हो गया रिजर्वेशन वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है ठीक है और अगर आप पी डब्ल्यू डी या एक्स सर्विसमैन हो तो कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है चलिए इसके अलावा हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाला है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक आएगा अगर अभी आ नहीं रहा है तो बात में आ जाएगा ठीक है बट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड इसके अलावा क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यानी जो टेस्ट है वो जनवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एग्जाम विल इंक्लूड डिग्री या डिप्लोमा कोर्स अंडर द रिस्पेक्टिव स्ट्रीम क्वेश्चन और यहां पर स्पेसिफिक कितने क्वेश्चन आएंगे कैसा होगा सेंटर पर होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है ठीक है तो आपको प्रीवियस ईयर का हेल्प लेना पड़ेगा फॉर दी सेम यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है ठीक है उसके अलावा अगर कुछ देखें तो यहां पर आप देख सकते हो दैट जनरल कंडीशंस में इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में उन्होंने कहा है पीडीएफ पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है लास्ट में पता चलता है कि यार यहाँ पर तो नॉलेज ऑफ मराठी नेसेसरी है साथ ही साथ वो कह रहे हैं सर्टिफिकेट होना चाहिए आइदर हाई स्कूल का या फिर स्कूल का या फिर कोई भी लेवल का कॉलेज का अगर आपने के पास सर्टिफिकेट है कि हाँ भाई हमको मराठी लैंग्वेज था एज़ वन ऑफ दी सब्जेक्ट तो बढ़िया है अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास अलग से सर्टिफिकेट होना चाहिए कि रीड स्पीक राइट मराठी लैंग्वेज इशूड बाई दी प्रोफेसर ऑफ मराठी लैंग्वेज ऑफ अ कॉलेज ठीक है सो so, यहां पर आप देख सकते हो और मराठी जो नॉलेज है वो मतलब यहां पर डिजायरेबल कह रहे हैं, ऊपर कंपलसरी कह रहे हैं, डिजायरेबल इसलिए क्योंकि आपका अलग से टेस्ट भी होगा ठीक है, टेस्ट भी होगा डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं और तीन साल में आपको मांगा गया है ठीक है उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑनलाइन आज से स्टार्ट हो गया है सेवनटीन दिसंबर तक चलेगा एंड uh, ये yes, मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है वेबसाइट के लिंक पीडीएफ िंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी सो यस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय फॉर नाउ सी या बाय